सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको तीन कंपनी की तरफ से हायरिंग बताने वाला हूं। तो दोस्तों इसमें कैपजेमिनी है, डेलॉयट है और भी दोस्तों यहां पे कंपनी की हायरिंग है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए जिस कंपनी में आप बताते हैं। तो ऐसी भी कंपनी है दोस्तों जिसमें कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी कंपनीज हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में, काफ़ी ज्यादा मेंबर यहां पे ऐड होते हैं और आपकी क्वेरी भी रिजॉल्व हो सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बहुत सारी हायरिंग मैं यहां पे बताते रहता हूं, आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहां पे बहुत सारे लोगों को इंफोसिस और कैपजेमिनी से रिलेटेड काफी ज्यादा डाउट है, वो भी दोस्तों आगे की वीडियोज में जरूर दोस्तों आपके जितने भी डाउट है सारे डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे, लाइक टेक महिंद्रा से रिलेटेड। और तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कैपजेमिनी की तरफ से दोस्तों यहाँ पे 3 लाख से लेके 4.5 लाख तक दोस्तों यहाँ पे आपको पैकेज मिलने वाला है। हायरिंग फ्रेशर फॉर VLSI है और बेंगलुरु, बेंगलोर, हैदराबाद आपको देख सकते हैं। यहाँ पे 50 ओपनिंग है, ठीक है। फंक्शनल एरिया IT है, IT सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, ठीक है। तो आप जाकर के अप्लाई कर दीजिएगा। शुड हैव ग्रेजुएटेड इन 19, 20 और 21 बैच यहाँ पे एलिजिबल हैं। और दोस्तों 60% होना चाहिए 10th, 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो दोस्तों आप जाकर के ज़रूर अप्लाई करेगा अगर आप एलिजिबल हैं। तो जल्दी से जाकर के दोस्तों जैसे ही वीडियोज़ अपलोड होगी तो आप जाकर के यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सिर्फ 50 ही ओपनिंग है, ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं तो। अब दोस्तों सेकंड पोजीशन दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न रोल पे दोस्तों यहाँ पे ये जो है न्यू स्टार जो है हायरिंग कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पे आप अगर लोकेशन देखेंगे प्राइमरी लोकेशन दोस्तों यहाँ पे बेंगलोर होने वाली है। अगर दोस्तों आपको जावा के बारे में बेसिक एक्सपर्टीज है, कोर जावा के बारे में और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो दोस्तों आपको बहुत अच्छी बात है। और नॉलेज इन SQL क्वेरीज एंड डेटा बेस कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों अगर आपको SQL क्वेरी पढ़नी है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट पर दोस्तों कंप्लीट SQL इन वन वीडियो आप देख लीजिए, आपका दोस्तों ये भी प्रिपरेशन हो जाएगा। फैमिलियरिटी विद लाइनेक्स, तो दोस्तों आप लाइनेक्स पे यहाँ पे जा सकते हैं, कंप्लीट लाइनेक्स कमांड इन वन वीडियो। ये भी दोस्तों सारी चीज़ें जितनी प्रिपरेशन वीडियो है सब दोस्तों चैनल पे अपलोड है। तो आप जा करके दोस्तों अप्लाई ज़रूर करिएगा, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब दोस्तों थर्ड जो है इंटर्न एनालिस्ट रोल पर दोस्तों यहाँ पर हायर कर रही है डेलॉयट कंपनी। तो दोस्तों अगर आप कोई भी ग्रेजुएट हैं और आपके परसेंटेज क्राइटेरिया 60 नहीं है बट फिर भी दोस्तों यहाँ पर आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। आप रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लीजिएगा क्या इंपॉर्टेंट है और फिर जाकर के दोस्तों आप यहां पे अप्लाई कर दीजिएगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों यहां पे डेलॉयट में, ठीक है, कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है तो आप जाकर के यहां पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीन कंपनी की तरफ से हायरिंग निकली थी जो मैंने आपको बताई है। और दोस्तों आपके कोई भी कमेंट है तो आप जाकर के दोस्तों यहां पे कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।